welcome. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is classification of computers or types of computers. So let's get started. So classification of computers में हम तीन categories में अपने सारे ही computers को divide कर सकते हैं. The first category is type. Type का मतलब है कि computers कितने तरह के possibly हो सकते हैं. So first category is analog computer, digital computer and hybrid computer. The second category is with respect to size, यानी हमारे computers को हम from smallest to largest किस तरह से divide कर सकते हैं. So it could be micro computers, mini computers, mainframe computers or super computers. The third category is with respect to purpose. Computer का application कहाँ है या फिर वो computer कहाँ use होने वाला है, that is with respect to purpose. We have general purpose computers and special purpose computers. आज हम इस lecture में इन्हीं सारे तरह के computers को बहुत brief, quickly understand करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हमारी first category से, which is with respect to type. So type के basis पे हमारा पहला computer है analog computer. एनालॉग का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपने घर में वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर आपके स्कूटी के टायर में प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं या वाटर फ्लो को कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये सारी ही चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं नेचर. तो ऐसे में इस तरह के डेटा को प्रोसेस करना या एक्सेप्ट करने के लिए जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. फॉर एग्जाम्पल, स्पीडोमीटर जो आपकी गाड़ी में होता है, थर्मोमीटर जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये सारे कंप्यूटर आपके एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज डिजिटल कंप्यूटर्स. जितने भी कंप्यूटर्स डिजिटली डेटा को प्रोसेस करने में कैपेबल होते हैं, जो डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट सिंबल्स पे वर्क करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. तो जितने भी कंप्यूटर्स आप अपने घरों में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, जो डिजिटली डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एक्सेट्रा. थर्ड कैटेगरी इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड कंप्यूटर्स स्मार्टली एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करके बनाया जाता है. तो ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं एनालॉग वाइज और प्रोसेस कर सकते हैं एनालॉग और डिजिटली एंड कैन प्रेजेंट डेटा डिजिटली ऑल्सो. तो आपने देखा होगा मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे ICUs में आप मशीन देखते हैं जो आपको कंटिन्यूसली आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका ब्लड प्रेशर नाप रहा होता है इन एनालॉग फॉर्म, बट आपको वो डिजिटली प्रेजेंट कर देता है. तो ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो ICU डिवाइसेस, हाइब्रिड म्यूजिक सिस्टम इन योर व्हीकल्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स. नेक्स्ट कैटेगरी वाज साइज. विद रिस्पेक्ट टू साइज, हमारे कंप्यूटर्स को हम लोग चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे. सो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ पर्सनल बिकॉज इट इज़ अ सिंगल यूजर मशीन. बाय सिंगल यूजर वे मीन्स कि हम एक बार में एक कंप्यूटर से एक ही यूजर इंटरेक्ट कर सकता है या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. सो ऐसे कंप्यूटर्स हमारे सिंगल यूज़र मशीन कहलाते हैं. बेसिक फंक्शनैलिटीज़ या बेसिक इसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ऐसे कंप्यूटर्स, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप्स और PDAs. नेक्स्ट कैटेगरी इज मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं बिकॉज इट इज़ अ मल्टी यूज़र मशीन, विच मीन्स कि हमारे साथ ऐसे कंप्यूटर्स जब भी होंगे तो एक बार में एक से ज़्यादा यूज़र्स इस तरह के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में कैपेबल होंगे. तो ये कंप्यूटर्स जो होते हैं एक बार में 200 टू 500 यूज़र्स को एंटरटेन कर सकते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ लोकल सर्वर या फिर स्मॉल सर्वर्स की तरह से हम इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. ये होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में मिनी कंप्यूटर से या माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. और ये भी एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है जो एक बार में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को एंटरटेन करने में कैपेबल है. फॉर द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डेटा को सर्वर्स में प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स हमारे आज तक के कंप्यूटर्स में मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं. ये कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ किसी भी और कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा है. इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इवन मोर देन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. और इसका स्टोरेज, इसकी प्रोसेसिंग पावर सब चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे होती हैं. उसका साइज भी बड़ा होना लाजमी है. तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मिलिट्री के एरियाज़ में हम लोग ऐसे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर साइंटिफिक एजेंसीज़ में.
सो ये हमारे कुछ कंप्यूटर्स थे विद रिस्पेक्ट टू साइज. अवर नेक्स्ट कैटेगरी वॉज जनरल सॉरी पर्पज कंप्यूटर्स. तो कहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स यूज हो सकते हैं? सो फर्स्ट कंप्यूटर वॉज जनरल पर्पज कंप्यूटर. बाय जनरल पर्पज वी मीन के ऐसे कंप्यूटर्स जो जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटीज के लिए. तो ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, क्योंकि हमारे ऐसे कंप्यूटर्स के पास प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन स्टोर किए जाते हैं और हम अलग अलग प्रोग्राम्स को ऐसे कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट कर पाते हैं. तो ये कंप्यूटर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे कि आप इसमें गाना भी सुन सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कर पाता है. सो दीज आर जनरल पर्पज कंप्यूटर्स. वेर एज वी हैव स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स. स्पेशल पर्पज का मतलब है जो किसी एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए ही कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया हो. तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट हो जो बार बार एक ही एक्टिविटी को बहुत एफिशिएंटली कर सके, तो ऐसे कंप्यूटर्स हमारे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. ये एक ही एक्टिविटी को बार बार करते हैं और बहुत एफिशिएंटली करते हैं, क्विकली करने में कैपेबल होते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर्स जो होते हैं स्पेशली किसी एक पर्पस के लिए डिज़ाइन होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम एंड सिमुलेटर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. सो दिस वॉट वॉज इट. सारे ही क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स कितने तरह के हैं हमने यहाँ पे देख लिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.